समझ गए पोता पोती वगैरह नहीं, गोद खिलाओगा दादी के, दादी पेंशन आई आज, दादी ने बिठा के ले जाएगा स्पेशल, बनोगा दादो भी बनोगा दादी भी बनोगा की बात है। देखो ऐसा आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिसने बड़ी ही मेहनत से नौकरी की तैयारी की वो नहीं लगा। हाँ ये हो सकता है कि किसी ने सेकंड ग्रेड की थी लेकिन लगा वो पुलिस में, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कहीं नहीं लगा। एक भी उदाहरण आप मेरे सामने नहीं ला के दे सकते कि जिसने तैयारी की वो लगा नहीं कहीं, लास्ट में चेंजेस आने वाले, एक भी कौन मिला हो। लेकिन तैयारी करिए तो पढ़ ले आप, अब नौकरी में कंपटीशन और बढ़ जाए, क्योंकि हर आदमी आई सोचे को गए पहले तो यहाँ कौन सोचता पढ़ने दे रहेगा पेंशन तय को नहीं ये कमांड ला गया कि जो, लेकिन अब आओगे यार बुढ़ापो शुरू कर पाएगा थोड़ी लाग जाऊंगी सेट, लेकिन जो कंपटीशन भी पड़ेगा अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना। गलती स्टूडेंट एक ही करें, बहुत बढ़िया तरीके पढ़ रहे याद भी करें, लेकिन स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं निकालता, और एग्जाम आपकी ऑब्जेक्टिव है, वो पहले युद्ध से पहले तैयारियां नहीं करता। अपनी भारतीय सेना है युद्धाभ्यास करती है, बहुत खर्चा लगता है युद्धाभ्यास में, बहुत खर्चा लगता है, लेकिन फिर भी उसे युद्धाभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन युद्ध की नौबत आएगी वो पहली तैयारी। अपना सो क्यों कर लिया, एक स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करे लेकिन वो पेपर में बैठ के भी तरीको मॉडल पेपर कति को निकाले, ये सो क्यों पढ़ लेगा रट लेगा लेकिन 50 मॉडल पेपर को निकालो थे एग्जाम में, बहुत सारी सौ बड़ी गलती। अगर आपने मॉडल पेपर ले आगे जी पेपर एग्जाम में बिंग हिसाब, अगर मॉडल पेपर ईमानदारी निकाल के लास्ट में नंबर जोड़ के अगर 50 भी निकाल दिया ने तो बिंगो एग्जाम में बहुत फायदा तो मिलेगा। कोई काम आपा खराब को नहीं करोगे रीट में, रीट में जो 200 मॉडल पेपर भी निकाल के अगर उठियो नहीं बिंगा भी ढंगा नंबर आए, क्योंकि पर्सन तो आज तक आयडा है सारा, और हर एग्जाम में 30% पर्सन रिपीट होते हैं, ये फिक्स है। भले आप आरएस की दे देना चाहिए, अभी आरएस का उठा के देख लो 30% पर्सन आपको रिपीट मिलेगी वापस हर एग्जाम में रिपीट, थोड़ा मॉडल पेपर ज़्यादा निकालेंगे।